तो एक गड्डी खरीदी गई सी 2020 दे विच पिछले साल वेन्यू गड्डी दा नाम है जिहड़ी गड्डी है उस गड्डी दे विच खरीदन तो लैके और बाद विच वी सर्विस तक की प्रॉब्लम्स आईयां ने उस दे रिगार्डिंग अज कॉन्फ्रेंस है जिहड़ी जलंधर दे विच कीती गई है। जिन्हां ने गड्डी लिती सी उन्हां दा कहना है कि डे वन तो लैके बाद हुण तक उन्हां नूं काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पाया। डिलीवरी बुकिंग कितने हुई सी तो डिलीवरी है जिहड़ी वह कितने होर जाके इस वेले मौजूद ने साडे नाल असीं गलबात करदे हां जानदे हां पूरा मामला की है। सर की नाम है जी तुहाडा? मेरा नाम जी अभजीत कुमार है। की प्रॉब्लम की आई तुहानू सारे मामला जो तुसीं अज प्रैस क्लब दे विच तुहानू आके प्रैस कॉन्फ्रेंस करनी पई है? वो मजबूर किया जी इन्हां ने, हुंडई कंपनी ने, गोयल हुंडई एजेंसी ने। मैं इन्हां कोल कार लई सी गोयल हुंडई एजेंसी वालिआं कोलों 2020 दे विच 27 जनवरी 2020 नूं। कार जदों बुकिंग ते कार लई सी इन्हां ने टाइम दिता सी कि इस टाइम तुसीं आ जाओ साडी कार तुहानू रेडी मिलेगी। मैं अपनी फैमिली दे नाल आया कार लैण, शोरूम च असीं बैठे रहे सारा दिन, बिठाई रखिआ सानूं, कार सानूं दिखाई तक नहीं। मैं क्या कार दिखाओ से, कार देख लीए भी कि कार हैगी है, भी उदू की प्रॉब्लम की। कहिंदे बस बाश हो रही है, हुण कार लिया के देने 15 मिनट। चलो कार जो साडी जिहड़ी असीं कार एक्सचेंज कीती सीगी, जिहड़ी मेरी कार सी उह इन्हां ने कार अपनी जमा कर लई सीगी। इक लेट करी गया, लेट करी गया, सियाल दे दिन सीगे, नेरा जल्दी हो जाता। मैं क्या मैं अपने बच्चे फैमिली लैके आया हुआ हाँ, भी या तो मैंने कार दे दो नहीं तो मैं इधर चल जाना। मेरी कार दे दो मैंने वापस, कहें थोड़ी कार तो वापस नहीं मिलनी, भी 15 मिनट ये कार मिल जाएगी। मैं 6:30-7 बजे तक देखा, मैं जे कार ना भी मैं चल जाना। इन्होंने कार नहीं दी, मैं चले गया, मैं कैब मंगाई तो मैं चले गया। बाद मैं मगर कॉल्स आनी शुरू हो गई कि प्लीज़ कार लै लो, तुम जिते आए उत्थे थोड़ा कार दे दें आके, साड़ी नौकरी का सवाल आ। ये फिर फगवाड़ा रोड से आ गया, उन्हें मगर पिछे आके सानू कार जी हैंड ओवर की। जो कार में मैं बैठा रे, कार देखा थले मैट सी जगह से गत्ते बिछे हुए थी, पेटियां पाड़ के, गत्ते वाली पेटियां पाड़ के वो बिछाइया हुई सी। तो उस टाइम फिर मैं इन्हें पूछा, मैं कि है कहें भी यदि वजह ना लेट हो गए हैं, होर एजेंसी तो होना सी समान, भी कुछ समान घट है, सवेरे 9 बजे तक ला जाएंगे। ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ ਕਿ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੈਨਿਊ ਗੱਡੀ ਹੈ। ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ PB08EM5205। ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਈਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦੀ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚ ਮੈਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੱਤੇ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਹੈ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੁੰਡਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਗੋਇਲ ਏਜੰਸੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਾਰ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਸਮਾਨ ਘੱਟ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤਾਂ ਕਰਤੀ ਆ, ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਔਰ ਉਹ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਤੱਕ ਜਾਊਂਗਾ। ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗੀ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਟੀਵੀ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੱਲੀ ਆ, ਪੇਪਰ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਆਈ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਆ ਮਾਫ਼ੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ, ਰਿਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆਈ? ਸਰਵਿਸ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਪਰ ਗੱਡੀ ਜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਏਅਰ ਪਿਊਰੀਫਾਈ ਆ ਉਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਤਾ ਉਹ ਸੜ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਵਾਰੰਟੀ ਵਿੱਚ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਫੇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫੇਰ ਗੱਡੀ ਏਜੰਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਕਰਤਾ, ਕੇਸ ਕਰਤਾ, ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਹੋਏ ਆ। ਆ ਲਾਸਟ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਂਟ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਰੋਡ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਸਰਵਿਸ ਡਿਊ ਸੀਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਵਿਸ ਏਜੰਸੀ 'ਚੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਏਜੰਸੀ 'ਚੋਂ ਕਰਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੰਟੀ ਵਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੈਨਿਊ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੋ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ 2-3 ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਪੇਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀ 29 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ, 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ,
तीन महीने उन्होंने मैं गड्डी नहीं दी है, कहें कि लॉकडाउन की वजह ने साडा जी वर्कशॉप बंद करा गया वो बंद कराने का कारण यह स्टाफ इन्हों का पूरा सगा तो ऑर्डर से अद्धे स्टाफ ने वर्कशॉपा खोलन के तो उन्होंने इन्होंने बंद कराता कहते चलो सूँ चार तरीक मिल जाएगी चार नूं भी नहीं मिली फिर कहते शाम को मिल जूगी शाम को भी नहीं मिली फिर इन्होंने पांच सवेर का किया पांच सवेर में भी नहीं मिली मैं कंप्लेट करती एस एस पी साहब न मैं क्या मेरी गड्डी जिदा है मैंने उदा ही दवा दो मेरा गड्डी तो बिना नहीं छड़ता इन्होंने जी कंप्लेट पाने तो बाद चार पाँच घंटे बाद शाम को आकर मैंने गड्डी दे गए जो गड्डी लैके आए आ तो मैं गड्डी सामने खड़ा इदा मैं लाइव हुआ हाँ गड्डी के बंपर जो हिट किया हुआ इसके इन्होंने हाँ असं तुम्हें दिखा दें बंपर हिट किया हो दस रहे हैं या जी प्रॉब्लम आई है वो तुम अपनी देख सकते हो बंपर दे विच स्क्रैच आए हुए ने गड्डी लगी हुई है हुणे तुसी देख सकते हो अपने आप कस्टमर है जिहड़े वो दिखा रहे हैं ते बाकी अगे दा होर की मामला सीगा वो भी जानने की कोशिश करते हैं इस तो इलावा होर जिहड़ी चीज़ा गड्डी दे विच इस तो बाद जिहड़ी प्रॉब्लम आई है उस तो बाद उन्होंने सोल्यूशन तुहानू इहदा की दिता जी पारस जी गड्डी लैके आए थे जो उन्होंने मैं स्क्रैच दिखाया उन्होंने एजेंसी से पहले फोटो मंगवाइया वो कहते साढ़े को लगी नहीं गई फिर उन्होंने एजेंसी से फोटो मंगवाइया हो सकता उत्थे किसी वर्कर तो कहते अगे पिछे कर दो लग गई होना फोटो स्क्रैच नहीं सके जो आए उन्होंने मैं स्क्रैच दिखाते हैं पहली प्रॉब्लम यह थी दूजी का पेंट जगह जगह तो चुया हुआ टायर तक भी लिबड़े हुए थे लाइटा लिबड़िया हुई सगिया वो तो चलो उन्होंने बाद जो मैं कंपनी शिकायत की हुंडई नूं उन्होंने भेजा तिलकराज जी ने भेजा नाल पेंटर भेजा वो पेंट सारा सेफ साफ कराया फिर भी कई जगह तो जिदा चुया हुआ पेंट आ देखो आ रहा चुया हुआ पेंट आ तुसी देख सकते हो कि गड्डी दे विच काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स पेंट है जिहड़ा वो नहीं होया होया किते किते पेंट चोया होया और उसके बावजूद भी गड्डी दे विच फिटिंग भी प्रॉपर जिहड़ी वो नहीं हैगी वो दिखाई जा रही है गड्डी दे विच किते ना किते कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिहड़ी वो छड्डी गई है एजेंसी वल्लों और कोताही वरती गई है उस एजेंसी वल्लों और कस्टमर नूं काफ़ी हरास किया गया तो इस वेले हार के कस्टमर है जो वो मीडिया राही जिहड़ा वो पूरी दी पूरी प्रॉब्लम अपनी वो मीडिया दे अगे जिहड़ी रख के तो उस तों बाद उहदा कोई हल लभण दी कोशिश की जा रही है हुण तुहाडा अगला स्टैप जिहड़ा वो की होएगा अगला देखो जी एक तां डिग्गी जिहड़ी सीगी इहदी डिग्गी विंगी हजे भी विंगी डिग्गी च देख सकते हो तुसी हजे भी थोड़ा जिना फॉल्ट है थोड़ी टेढ़ी विंगी नजर आ रही है दस रहा जिदा कस्टमर इस वेले तुहानू वीडियो दिखांदे आ तो तुसी वीडियो भी देखो लाइव इस वेले जिहड़ा चल रहा है साडे पेज दे उत्ते तुहानू वीडियो भी दिखा दिंदे आ तुसी वीडियो देखो जो जो चीजां मशीनरी ने करना आ ओह तुसी सेटिंग हसरी हुंदी है डिक्की दी प्रॉब्लम जिहड़ी वीडियो दे विच दिखाई है तुहानू यह उस वेले दी प्रॉब्लम है जब डिक्की दा जिहड़ा बैलेंस वह काफ़ी विगड़िया होया सीगा ते डिक्की दी बैलेंस विगड़े हुए करके हले भी खड़कदी गड्डी नज़र आ रही है उन्हां नूं तुसीं और गड्डी दे विच बिल्कुल भी कोई जड़ा बैलेंस आ वह नहीं बनाया गया गड्डी दे अंदर पूरी डस्ट है जी अंदर जिदा नहीं जानी चाहिए लेकिन वो फिर भी डस्ट है जी गड्डी दे अंदर जाती है क्योंकि वह बैलेंस पूरा प्रॉपर नहीं है वो अंदर जी बनावट है वो अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ हैगी है तो ही करके सारा जो गंद कूड़ा जो गड्डी के अंदर साइडा तो वह चला जाता है तो सर हूँ यह हो रहा थोड़ी सारी प्रॉब्लम हूँ थोड़ी अगे की जी की रहेगी हूँ अगे की एक्टिविटी देखो मैं हुंडई कंपनी को कहा कि मेरी जी गड्डी है ये इंस्पैक्ट कर लो गड्डी जी फॉल्ट है जेकर फॉल्ट ना होएगा मैं थोड़े आने का खर्चा मैं दूंगा ठीक है जो भी खर्चा कंपनी आता मंग यही थी कि मेरी जी गड्डी है एक तो जो गोयल हुंडई वाले ने गड्डी का नुकसान किया है और मैं आ दो महीने हुण हो गए यानी एक महीना चार पाँच एक साल तो चार पाँच महीने तो मैं हरास कर रहा है एक तो मैंने उन्होंने को मुआवजा दवाया जाए जो भी गड्डी का नुकसान होया जा मेरा जो टाइम वेस्ट होया वो मुआवजा दूजा इन्हों के खिलाफ एक्शन लिया जाए जा इन्हों के जो वर्कर है वो कढ़े जाने जिन्हों का नुकस है ठीक है जी दूजा मेरी जी गड्डी का काम है वो किसी होर हुंडई की एजेंसी तो करवाया जाए यह मंग है जेकर नहीं करते हैं फिर मैं गोयल हुंडई के खिलाफ तो मेरा केस चल भी रहा है तो मैं हुंडई एजेंसी के खिलाफ भी केस करूँगा सो जाने पूरा मामला की है हुंडई दे अगेंस्ट जिहड़ा केस भी वो पै गया होया अगली हुण कार्रवाई की हुंदी है जे तो इन्हां दीआं मंगां मन लितियां जांदियां ने या फिर अगे इन्हां दीआं मंगां नहीं मनियां जांदियां इह तां हुण आने वाला समा दसूगा कि केस प्रोसीड हुंदा है या इन्हां नूं जिहड़ा मुआवजा वो मिलदा है देख दो इनकाउंटर निशा शर्मा जलंधर तो